आप लोगों ने देखी होंगी, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लेकिन इस महफिल में आप देख रहे हैं कि गिने चुने दो चार लोग बैठे हैं। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। कम से कम चार छः लोग तो हैं, बहुत ही करम है उसका, क्योंकि हम और आप दीन मदीन से इतना दूर हो चुके हैं, जो खुशी करेगा वो जहन्नमी होगा। तो खुद खुशी से बचने के लिए यह रास्ता निकाला गया है कि आप तलाक देकर निकल जाइए और वो औरत भी आराम से रहे और आप भी रहे, खुदकुशी ना करें। ये इस्लाम का तरीका है। इतना मतलब तफरीक हो गई है, इतनी दुश्मनी बढ़ गई है, या कोई ऐसे मामलात अंदर हैं जिसकी वजह से दोनों में दोनों इत्तेहाद नहीं हो पा रहा है, तो अब उसमें सूरत ये निकल आती है कि हम उसके घर नहीं जाएंगे, चाहे हम खुदकुशी कर लेंगे या हम फांसी लगा लेंगे। इस तरह से औरतें भी अपनी जुबान से बोला करती हैं, इतना तंग आ जाती हैं। तो खुदकुशी जो करेगा या फांसी लगाएगा, ये ऐसा करना हराम है, क्योंकि जानबूझकर जान को खत्म करना ये हराम है, क्योंकि जान बचाना फर्ज है, उसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। और हम अगर खुदकुशी कर लें या फांसी लगा लें किसी चीज़ की वजह से, तो हमारी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है।